हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज वही फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ आज जो हम मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ ये बेसिकली यूनिट नंबर वन से रिलेटेड है कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक है तो यूनिट वन में कंसिडर होते हैं ये वाले जो क्वेश्चन हैं जिनको अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट थ्री वाला मुझे याद है उसको करवाऊंगी मैं तसल्ली से ठीक है आजकल पता नहीं ऐसे थका थका सा दिन रहने लगा दो तीन दिन से ऐसा लग रहा है थोड़ा फ्रेश फील करूंगी तब यूनिट थ्री करवाऊंगी एक दो दिन बाद ठीक है चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है विकास का कौन सा सिद्धांत डगलेस और ग्लेड द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया ठीक है तो ये पूछ रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत है जो डगलेस और ग्लेड द्वारा प्रतिपादित किया गया था आपने वो सिद्धांत बताना है कि, कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है आपको ये बताना है ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल ही एसेड में भी काम आएंगे डीएसएसबी में भी काम आएंगे सुपर टेट में भी काम आएंगे टीजीटी स्क्रीनिंग में भी काम आएंगे क्योंकि उसको जो यूनिट नंबर वन है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है एचपीएससी की भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो ये सब में ही काम आते हैं ठीक है हाँ हाँ अट्ठाईस से पहले कन्फर्म है थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट के क्वेश्चन अठाईस से पहले हो जाएंगे ठीक है कल ही कन्फर्म थर्ड यूनिट के हो जाएंगे चलो प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंट मूवमेंट तो बस ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है <coughs> ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है आपको सिंपल सा याद रखना है कि डगलेस और ग्लेड ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मूवमेंट विभिन्न गति का सिद्धांत ठीक है तो सिद्धांत का नाम था विभिन्न गति का सिद्धांत ठीक है हाँ तो आंसर रहेगा वन नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर ए टीचर इज एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या हो सकती है उसको देखते हुए क्या होगी एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की जो इंडिविजुअल नीड्स है उनको समझना एक अध्यापक का कर्तव्य होता है भाई आपकी जो नीड है उनको मैं समझू बिल्कुल टू मेंटेन गुड डिसिप्लिन द क्लास क्लासरूम में आप अच्छा अनुशासन बना के रखो कि क्लासरूम वेल हो आपकी ऐसा हो ऐसा होना भी चाहिए लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण अधिगम को भी बनाना चाहिए अध्यापक को बिल्कुल बनाना चाहिए ठीक है थैंक यू रजनी टू असाइन स्टूडेंट गुड होम असाइनमेंट एंड चेक दम प्रोपरली छात्र को अच्छा गृह कार्य सौंपना और उसकी ठीक से जांच करना वैसे तो बेचारा अध्यापक सारे ही काम करता है लेकिन बात आती है भाई विच वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनौती चुनौती पूछा है चैलेंज पूछा है तो ये कोई चैलेंज नहीं है ये कोई चैलेंज नहीं है ये कोई चैलेंज नहीं है बट इंडिविजुअल की नीड्स को समझना वाक्य में ही चैलेंज है एंड आई हैव फील दैट थिंग कि कहने का मतलब 100 परसेंट एफर्ट करने के बाद भी बच्चे कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों को लेके कुछ ना कुछ तो बताते ही रहते हैं तो इंडिविजुअल को सेटिस्फाइड करना बिग थिंग बट अब तो मेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य बन चुका है को satisfied है but है? मुश्किल, नामुमकिन नहीं, ठीक तो पर ये के लिए चैलेंज करना हमारा काम है ठीक है तो आंसर रहेगा भाई यहाँ पर वन आंसर रहेगा यहाँ पर वन नेक्स्ट है विकास की दिशा है जो डायरेक्शन होती है विकास की वो फिक्स होती है अनफिक्स मतलब अनसर्टेन अनिश्चित होती है दोनों हो सकती हैं या तो विकास की दिशा जो विकास की डायरेक्शन होती है तो आप खुद बताओ विकास की दिशा कैसी होती है तो विकास की दिशा तो आपने पढ़ाई होगा विकास की दिशा हमेशा फिक्स होती है ठीक है विकास की दिशा हमेशा क्या होती है भाई विकास की दिशा हमेशा फिक्स होती है क्यों क्योंकि आपको पता है विकास की दो डायरेक्शन होती है एक आपकी सिर से लेकर पैर तक और एक केंद्र से लेकर नीचे की ओर ठीक है तो सिर से लेकर पैर तक शाफियो कॉडल वाली जो डेवलपमेंट होती है जिसको मस्तक अधोमुखी भी कहते हैं ये चीज़ें सबने रट रखी हैं और दूसरी होती है सेंटर से लेके नीचे की तरफ केंद्र से लेके नाभि की तरफ ये सबको पता है ठीक है तो विकास की उसको प्रोक्सीमाट स्टाइल बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं भाई शाफियो कॉर्डल तो ये एवरीबडी नोज अबाउट कि विकास की जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है सही होती है वो ठीक है <coughs> नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल विच प्रिंसिपल द टू एनवायरमेंट फैक्टर इन चाइल्ड डेवलपमेंट निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में पर्यावरण कारक को महत्व देता है आपके कुछ सिद्धांत है 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 ठीक आपने ये बताना कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में पर्यावरण कारक को महत्व देता है मतलब निम्न में सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में पर्यावरण कारक को महत्व देता है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उसको महत्व देता है कौन सा कारक है आपको बताना है ठीक है बाल विकास के पर्यावरण फैक्टर को महत्व देता है वो सिद्धांत आपने बताना है जो एनवायरमेंट को महत्व दे रहा है ठीक है तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग कि आप सामाजिक लर्निंग को सीख रहे हो किसी भी तरीके से जो सामाजिक लर्निंग है सोशल लर्निंग है उसको आप सीख रहे हो मतलब वो वाली चीज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी देखो कॉन्टिन्यूटी का जो प्रिंसिपल है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है क्योंकि कॉन्टीन्यूटी इंसान की हर तरीके की होती है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन अंतर संबंध में तो फिजिकल मेंटल इमोशनल सारी चीजें आ जाती हैं खाली पर्यावरण तो नहीं आया प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन एकीकरण का सिद्धांत तो, के अंदर तो एनवायरमेंट आया ही नहीं है तो सीधी सी बात है एनवायरमेंटली फैक्टर को महत्व देता है आपका कौन सा भाई एनवायरमेंट फैक्टर को आपका महत्व देता है कौन सा भाई आपका वन ठीक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग नेक्स्ट है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक माता पिता यह मान लेते हैं कि उसके बच्चे के सभी लक्षण सकारात्मक हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है मतलब माँ बाप ने देखा कि मेरे बच्चे में एक खास एक अच्छी बात है तो उनको लगता है कि मेरे बच्चे में सारी अच्छी बात है तो ये क्या अफेक्ट होता है ठीक है इसको हम कौन सा प्रभाव बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब क्या होता है आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया और आपको लगता है सारी चीजें कुछ ऐसी ही होंगी इसी कॉन्टेक्स्ट में चीजें बनी है तो कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट होता है ठीक है हाथ्रोन इफेक्ट क्या होता है हाउथ्रोन इफेक्ट एक तरह से अट्रैक्शन टाइप का होता है मतलब जब दो इंसान आपस में मिलते हैं तो इस तरीके का जो इफेक्ट होता है वो हाउ मतलब हाउथ्रोन इफेक्ट होता है फेक्ट ये होता है आप कुछ भी कार्य करते हैं और उसके बाद आपको कुछ आउटपुट आती है तो फिर उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि ये ऐसा करता है तो इसको ऐसा ही रिजल्ट हर बार मिलेगा तो इस तरीके वाला ठीक है रिवर्स तो आपको पता ही है विपरीत जिसमें अपोजिट से क्वालिटीज के साथ होता है तो ये जो है सकारात्मक है तो सारी चीज सकारात्मक होगी तो इसको हम क्या है कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट दिशा कह रही है इंग्लिश बैच में लाइव क्लास खत्म होगी ना मैम कल इसलिए आप सैड <laughs> फील कर रहे हो दीक्षा ये सैड फील नहीं होता ये एक गुड uh, फील होता है ठीक है और बैच को ब्रेक इसलिए दिया जाता है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कि आप एक बार चीजों को रिवाइज कर लो है ना और फिर मैंने क्या बोला पेपर से पांच दिन पहले फिर सारा रिवाइज करवाऊंगी तुम्हारा लेकिन ये एक ब्रेक एक हेल्दी ब्रेक है आप लोगों के लिए कि सब कुछ खत्म है अब आपकी बारी है उसको पढ़ना उसको समझना उसकी प्रैक्टिस करना तो ऐसा कुछ नहीं है मैं उस वजह से तो खैर दुखी नहीं हूँ क्योंकि उस टाइम मैं यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ मैंने अपने आप को तो खाली नहीं करा ना तुम्हें सिलेक्शन लेने के लिए खाली करा दस दिन के लिए तुम मेरे चक्कर में पड़े रहते कम से कम सारा सिलेबस खत्म है सब कुछ रिवाइज करके तुम्हें समझा दिया अब तुम्हारा काम है दस पंद्रह दिन उसको तसली से पढ़ना सिलेक्शन ऐसे नहीं होते जब तक तसली से नहीं पढ़ोगे जब तक टीचर के चक्कर में बड़े रहोगे ना वो मजा नहीं आता ठीक है ना मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती आई हूँ आजकल के बच्चों में मैं दीक्षा को नहीं कह रही मतलब दीक्षा कहीं गई दीक्षा ने तो प्यारी बात कही है मैं जनरल बात कर रही हूँ कि आजकल के बच्चों में एक कमी है मतलब माइंड मत करना देखो यूट्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज है ठीक है यूट्यूब पॉजिटिव भी है और यूट्यूब नेगेटिव भी है यूट्यूब पॉजिटिव इसलिए है कि आपकी बहुत हेल्प करता है आपको बहुत एफर्ट्स टीचर्स कर रहे हैं सभी टीचर्स कर रहे हैं मैं तो ये कहूंगी ये नहीं कहूंगी मैं कर रही हूँ सारे टीचर्स कर रहे हैं मैंने देखा है यूट्यूब पर सभी टीचर्स जितने भी पढ़ाते हैं सबके माइंड में एफर्ट्स चल रहे हैं सब चाहते हैं कि मेरे से जुड़ा बच्चा सफल हो मतलब हर अध्यापक यही सोच के पढ़ाता है लेकिन मैंने एक चीज नोट करी है किस इस चीज में ना बच्चों का एक सेल्फ एफर्ट्स है ना वो खत्म होता जा रहा है कसम से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मतलब इस चीज को कोई भी बच्चा माइंड मत करना बट आप लोग अपंग अपंग बनते जा रहे हो हो इन द सेंस क्या है है आप आप सेल्फ एफर्ट करना भूल गए आप ये सोचता है कि टीचर जो देगा ना बस मैं वही करूंगा टीचर के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रही हूँ देखो मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने आपके कोई कंटेंट में कमी करी है या मैं आपको कुछ दूंगी नहीं मैं तो टिल एग्जाम आपको पढ़ाती रहूंगी लेकिन मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ सच्चे दिल से कि तुम्हारा सिलेक्शन हो तो मैं तुम्हें अपाहिज बनाने से रोकना चाहती हूँ कसम से आप

अपने सेल्फ एफर्ट जरूर करो कोई टीचर आपको कितना भी पढ़ा रहा है सब बहुत अच्छी बात है सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं सभी टीचर मेहनत करते हैं लेकिन आप जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे ना जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करोगे तो मुझे इस बात पे याद आई कि मैंने बैच को 10 दिन इसलिए छोड़ा है कि 10 दिन मैंने जो पढ़ाया तुम तो उसको पढ़ो तुम उसको फील करो कि क्या कंटेंट हमें कितना पढ़ना है उसको टिप्स पे याद करो वो चीज तुम्हें करनी है दस दिन लगातार फिर आखिर में पांच दिन फिर रिवाइज करवा दूंगी तो मेरा मतलब जब तक खुद नहीं घुसोगे चीज में खाली अध्यापक का सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के तुम्हारा दिमाग भर जाएगा अध्यापक का सुनो लेकिन खुद जरूर करो उसको मेरी तुमसे गुजारिश है बाकी जिसका जो सोच है वो सोचो कोई दिक्कत नहीं है बट मैं बातें करती हूँ थोड़ी सी हंड्रेड परसेंट और सही और कुछ बच्चों को ऑथेंटिक बातें लगती हैं बुरी कि हाँ, ऐसा धड़ी ना होता है और जो सिर्फ यह सोचता है क्लास देख ली छुट्टी है क्लास के बाद उस क्लास को जो रिवाइज नहीं करेगा तो उस क्लास का क्या ही फायदा होगा ठीक है तो सभी लक्षण सकारात्मक है तो एक कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट होता है आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है शिक्षण में ठीक है शिक्षण में ये क्या कह रहा है शिक्षण में शिक्षक प्रभावशालिता का अनुमान तब लगाया जा सकता है जब आपकी टीचिंग है आपके टीचिंग के अंदर कैसे आप प्रभावशालिता का इफेक्ट लगाओगे कि कैसे मतलब आपको पता चलेगा कि एक शिक्षण की प्रभावशालिता है तो आप कैसे उसको एनालिसिस करेंगे ठीक है कैसे उसको करेंगे भाई ब्रिंग गुड रिजल्ट अच्छा परिणाम लाता है मतलब एक शिक्षक जो है क्या करता है एक शिक्षक अच्छा परिणाम लाता है ब्रिंग गुड रिजल्ट अच्छा परिणाम लाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छा रिजल्ट आया तभी शिक्षक अच्छा है रेज आई क्यू ऑफ लर्नर आपका आई क्यू बढ़ाया जाता है स्टूमुलेट द लर्नर थिंकिंग आपकी थिंकिंग को प्रोत्साहित किया जाता है बिल्कुल एक मिनट पहले मैंने यही बात की है ये तो इतना है कि अगला क्वेश्चन यही आ गया ठीक है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य मात्र तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनाना मात्र तुम्हें कंटेंट नहीं पढ़ाना तुम्हें जिंदगी में तुम कामयाब नहीं हुए तो ऐसी कामयाबी का क्या ही फायदा तुम टीचर बन गए तुम्हें अपने टीचर से बोलने की तमीज ना हो तो ऐसे टीचर बनने का क्या ही फायदा ठीक है दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ह्यूमिनिटी मैं चीजें आजकल क्यों बोल रही हूं मैं ये नहीं कह रही आई एम ब्लेस्ड मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूं कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कोई बच्चा गलत नहीं बोलता लेकिन मैंने चीज फील करी है देखा है कि बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं आजकल जैसे अलग अलग टीचर्स मुझे बताते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे बोल बोल दिया दिया तो मैं सोचती कभी कभी कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ठीक है मानव मूल्य होने बहुत जरूरी है आप कितना ही अमीर बन जाओ कितना ही कामयाब हो जाओ आपके अंदर मानवता ही नहीं होगी तो उन कामयाबी का कोई फायदा थोड़ी ना होगा ठीक है तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं जिंदगी में ध्यान रखना तभी आप एक अच्छे इंसान माने जाओगे नेक्स्ट है किंडर गार्डन नर्सरी स्कूल बच्चों के दुर्व्यवहार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ये कह रहा है किंडर गार्डन ये नर्सरी स्कूलों के बच्चे मतलब आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं और वो बदतमीजी कर रहे हैं तो उन बेचारों को कैसे रोकोगे ठीक है उनको कैसे रोकोगे देखो पनिश द चाइल्ड फॉर द मेजर एक्ट ऑफ मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार के प्रमुख कार्य के लिए बच्चे को दंडित करें मतलब भाई बच्चे ने जो गलती करी है आप बच्चे को क्या करेंगे भाई दंडित करेंगे मतलब उसको मारेंगे देख हिचाक देख हिचाक ऐसा नहीं करेंगे इग्नोर द देशन उल्लंघन को नजरअंदाज करो भाई उसने जो गलती करी उसको नजरअंदाज भी नहीं करेंगे हम क्यों करेंगे नजरअंदाज गलती करी है तो जैसे कुछ कहते हैं अवॉइड करो क्यों करें अवॉइड गलती करी है तो समझाएंगे भी ठीक है गिव सुटेबल पनिशमेंट फॉर द ऑल काइंड ऑफ मिसबिहेवियर सभी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए उचित रूप दंड दें मतलब जितना भी उसने दुर्व्यवहार किया है उसको उचित दंड दें या चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जीज इन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन बच्चों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लेके जाएं देखो आपका बच्चा शरारत क्यों कर रहा है आपके बच्चा बेचारा सारा दिन अकेला पड़ा है इरिटेट हो रहा है आप उसको खेलने नहीं भेज रहे तो वो शरारते मारेगा आप कि जो उसकी एनर्जी है उसको कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दो तो उसकी एनर्जी वहां पर शिफ्ट हो जाएगी तो फिर वो एनर्जी तो वहां खराब कराया तो वो तुम्हारा दिमाग नहीं खराब करेगा बिल्कुल भी ठीक है तो ये चीज क्या है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन लर्न टू वॉक एट विथ स्टेट स्टेज जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होता है मतलब एक असामान्य बच्चा आप कह सकते हो वो किस उम्र में चलना सीखता है देखो ये जो क्वेश्चन है ना मेरे को तो जहां तक मेरी पर्सनल सोच है इस क्वेश्चन का कोई फिक्सेशन नहीं है क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है ठीक है हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है हर बच्चा एक दूसरे से हटके होता है तो जब हर बच्चा एक दूसरे से अलग है हर बच्चा एक दूसरे से हटके होता है तो डेफिनेटली उनका टाइम किसी का कोई हो सकता है किसी का कोई हो सकता है लेकिन साइकोलॉजी कहती है भाई तेरह महीने क्योंकि नॉर्मल बच्चे नौ दस महीने में चलने लग जाते हैं जो एक साल का होके बाद में चलता है तो साइकोलॉजी के हिसाब से थर्टीन मंथ है इसका आंसर लेकिन वैसे तो फैक्ट्रज राइट इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हर बच्चा अपने आप में अलग होता है बट फिर भी साइकोलॉजी कहती है भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो तेरह महीने है तो तो मान लो साइकोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए तो कर आना तेरह महीने ठीक है अब मेरे हिसाब से तो पेपर वाला मानेगा ही नहीं क्योंकि मेरे हिसाब से तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या है पेपर वाला तो अपनी चलाएगा है ना मेरे हिसाब से तो आज भी बुक सच्चा साथी है जो आजकल के बच्चों को लगती ही नहीं है ना चलो नेक्स्ट है

ठीक है मेक टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम रिजल्ट टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं आप स्पेशल एजुकेशन के लिए ठीक है हाँ <laughs> ठीक है तो मेक चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम तो ये इंडिविजुअल कहां से हुआ फैसिलेट इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन हो गया तो इंडिविजुअल कहां से हो गया भाई

आंसर नहीं सही कर रहे तुम आज चलो नेक्स्ट है व्यक्ति में अचानक परिवर्तन नहीं होता है यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है मतलब एक इंसान होता है सडन चेंज डजंट ओकेर इन द इंडिविजुअल इट कम्स अंडर द प्रिंसिपल कि एकदम से इंसान में चेंज नहीं होता तो यह किस सिद्धांत या किस प्रिंसिपल के अंडर आता है वो आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस डेवलपमेंट अनुक्रम सिद्धांत सिक्वेंस का मतलब तो क्या होता है बच्चा सिक्वेंस में चीजें करता है एल एस आर डब्ल्यू पहले लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग हर चीज क्रम से करता है है तो उसको बोलते हैं ठीक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन विकास के दिशा का सिद्धांत तो अलग ही है इसका परिवर्तन अचानक परिवर्तन नहीं होता तो इसका मतलब विकास कॉन्टिन्यू होता भाई अचानक का मतलब एकदम कोई आ, मतलब एकदम कुछ ऐसा नहीं होगा कि एकदम करोना का बम फूट जाए और लोग कहें उन्नति का पेपर नहीं है कोरोना आ गया करोना आ गया ऐसा कुछ अचानक होने वाला नहीं है अचानक चीजें नहीं होती अब तो कल परसों सीएम खट्टर की अलग से मनोहर लाल खट्टर जी की एक स्टेटमेंट फिर आ गई है कि उनतीस तीस को हम ले रहे हैं हरियाणा टीजीटी का एग्जाम और तेरह चौदह मई को अब अलग अलग सब्जेक्ट वाले कह रहे हैं उनकी तो बल्ले बल्ले होगी तेरह चौदह मई वालों की टाइम मिल गया है तो अब देख लो भाई बात यह है कुछ नहीं है सब इसी हिसाब से करो हमने तो तेरह चौदह वालों को भी पंद्रह कोई फ्री कर दिया उसी हिसाब से कि उनका पेपर वाइज को है उसी स्ट्रेडसी से तैयारी करी है उन्होंने है ना तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन विकास की दिशा का सिद्धांत तो प्रिंसिपल ऑफ आपको पता है तो हम क्या बोलते हैं भाई इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट ऐसा नहीं होगा मैं मजाक कर रही थी कोई करोना वरुना नहीं है कहीं बावड़े तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट तो यहां पर आंसर रहेगा चार ठीक है यहां पर आंसर रहेगा भाई चार नेक्स्ट है मानव बच्चों के विकास का मानक किस सिद्धांत के अनुसार एक है मानव बच्चों के विकास का मानक किस सिद्धांत के अनुसार एक है अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन चिल्ड्रन इज एक कौन सा सिद्धांत है जिसके हिसाब से वही सभी बच्चे समान हैं मतलब ये बात कहना चाहता है तो क्या है वो प्रिंसिपल ऑफ सेम स्टैंडर्ड समान मानक का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप संबंधता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफेक्शन एकीकरण देखो मानव बच्चों का विकास मानक किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो प्रिंसिपल ऑफ सेम स्टैंडर्ड इसका मतलब क्या है कि दुनिया का जो भी बच्चा है वो सेम स्टैंडर्ड से जाता है मतलब वो किस तरीके से जाता है अभी दुनिया का किसी भी तरीके से कोई भी एक सेकेंड एक सेकंड एक सेकंड क्या कह रहा है मानक ओके 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 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड विच प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन एकीकरण का सिद्धांत सॉरी सेम स्टैंडर्ड का तो कोई सिद्धांत ही नहीं था इसको सही लैम है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन इसका मतलब क्या है एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं ना भाई दुनिया के कोई भी बच्चा हो उनका जो लेवल होता है स्टैंडर्ड सबका एक ही होता है चाहे गांव का बच्चा है चाहे अमेरिका का बच्चा है चाहे लंदन का बच्चा है वो हमेशा एक ही तरीके से क्या बढ़ेगा भाई वो एक ही तरीके से क्या बढ़ेगा भाई वो आगे बढ़ेगा कहने का मतलब बच्चा कहीं का भी है लेकिन उसका जो बढ़ने का तरीका होगा वो हमेशा क्या होगा भाई समान होगा ठीक है ना ये नहीं है कि अमेरिका बच्चा पैदा होता ही मतलब हंसने लग जाएगा और ऐसा कुछ नहीं है सभी एक ही यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से चलते हैं है रेनू ये टॉपिक है आपके एग्जाम में नेक्स्ट है विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है तो यहाँ पर एक सिंपल है फैक्चुअल क्वेश्चन है एज इट इज आपको लर्न करना है हु प्रोफाउंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मूवमेंट डेवलपमेंट तो डिफरेंट मूवमेंट डेवलपमेंट का प्रिंसिपल किसने ऑर्गेनाइज किया है तो यहाँ पर आपको एज इट इज इस क्वेश्चन को लर्न करना है कि ये डगलस और गैलेट ने किया है ठीक है तो यहाँ पर मतलब एज इट इज आपको करना है ठीक है नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया सिर से शुरू होती है ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इसको डिस्कस करके क्या ही करेंगे कि विकास कि के किस सिद्धांत के अनुसार प्रक्रिया सिर से शुरू हो जाती है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन अंतर संबंध प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक सामान्य से विकेश प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट सतत विकास का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एकीकृत देखो अभी ये डायरेक्शन की बात आपसे पूछ रहा होता यदि आप डायरेक्शन की बात आपसे पूछ रहा होता तो आप ये बोल देते कि शाफियो कॉर्डल है यदि ये सिद्धांत की बात पूछ रहा होता आप ध्यान से यहाँ पर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा ये वो नहीं बोल रहा कि सिर से पैर तक हो रहा है तो मस्तक अधोमुखी है ऐसा कोई ऑप्शन इसने दिया नहीं है तो अब इसने ऑप्शन नहीं दिया तो आपको क्वेश्चन को समझना है सिर से शुरू होती है तो एक सिस्टम से शुरू हो रही है मतलब एक सिस्टम से शुरू हो रही है जनरल टू स्पेसिफिक चल रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जनरल से स्पेसिफिक का सिद्धांत है यस सबका आंसर सही है तो ये जनरल से स्पेसिफिक का सिद्धांत है यस नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार विकास की सभी दिशाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं तो ये तो आपको पता ही है आ, अंतर संबंध का सिद्धांत है आसान सा क्वेश्चन है लिव इट नेक्स्ट है विकास की सभी दिशाएं आपस में जुड़ी होती हैं तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी एज इट इज है फैक्चुअल क्वेश्चन है सिर्फ लर्न करना है इसको कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी तो विकास की सभी दिशाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं ये जो स्टेटमेंट है ये गैरिसन ने कही थी आपको एज इट इज इसको याद करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो गैरिसन ने कही थी ठीक है तो यहां पर आपको याद रखना है नेक्स्ट है ये कुछ फैक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टेटमेंट है आ जाती है इसलिए आपको ध्यान रखना है विकास के सभी चरणों में बच्चे की सभी गतिविधि विशिष्ट बनने से पहले सामान्य होती है मतलब स्पेसिफिक बनने से पहले जनरल होती है मतलब जनरल टू स्पेसिफिक होता है विकास वही कहना चाहता है ये तो ये जो स्टेटमेंट है किसने कही थी तो देखो ये फैक्चुअल है एज इट इज इनको इसको एज इट इज लर्न करना है ये जो स्टेटमेंट है ये हरलोक महोदय ने कही थी ठीक है आंसर करने पे तुम्हारा ध्यान नहीं है आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है तुम कम कम पढ़ रहे हो आंसर करने पे इतना फोकस नहीं है तुम्हारा फोकस करो भाई आंसर करने पे हम्म नेक्स्ट है विकास का सामान्य सिद्धांत क्या है सबसे जनरल प्रिंसिपल देखो वैसे तो विकास के सारे ही प्रिंसिपल हैं विकास जो डुप्लीकेशन इन डेवलपमेंट डेवेलपमेंट करिए तो नहीं है डेवलपमेंट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल ये स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होती जनरल से स्पेसिफिक होती है डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल इज नॉट स्टेबल व्यक्ति की स्टेबिलिटी नहीं होती डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है तो विकास का एक जनरल सा सिद्धांत यही है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है नेक्स्ट है मानव में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या रीजन हो सकता है आसान क्वेश्चन इनको थोड़ा फास्ट स्किप कर देना इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है एनवायरमेंट से एरिडिटी से आपको पता है एनवायरमेंट एरिडिटी दोनों से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं ठीक है बच्चे की क्षमता निर्भर करती है डेवलपमेंट पर ग्रोथ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नन ऑफ दिस तो आपको पता है जो बच्चे की क्षमता होती है भाई वो किस पर डिपेंड uh, है दोनों के ऊपर डिपेंड है तो ये आसान क्वेश्चन है है इनको बहुत फास्ट लेके चलेंगे माता पिता से बच्चों की गुणवत्ता का स्थानांतरण क्या कहलाता जब माँ बाप से बच्चों के गुण ट्रांसफर होते हैं तो वो ट्रांसफर क्या कहलाता है परिवर्तन कहलाता है तो गुणों का ट्रांसफर होना गुण ट्रांसफर हो रहे हैं ध्यान से देख लो आपको ट्रांसफर ऑफ द क्वालिटीज गुण जो ट्रांसफर होते हैं तो वो जीन्स से ट्रांसफर होते हैं मन की स्थिति से तो कभी भी ट्रांसफर नहीं होते भाई चेन से भी नहीं होते जीन्स तो आपका सुत्र, गुण सूत्र क्या निर्धारित करते हैं मतलब जेंडर तो हेरिडिटी होता है अनुवांशिकता होता है जिससे आपके गुण ट्रांसफर होते हैं यस अब तुम सही पढ़ने लगे हो शाबाश अब लग रहा है कि हाँ तुम पढ़ने आए हो ठीक है क्लियर <coughs> नेक्स्ट है बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का आपको ये केवीएस में आया था क्वेश्चन किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है क्या हो सकता है भाई मनोविश्लेषणात्मक विधि मतलब साइकोनोलिटिकल मेथड हम इसको बोलेंगे तुलनात्मक विधि इसको हम कंपेरेटिव मेथड हम इसको बोलेंगे देखो साइको एनालिटिकल मनोविश्लेषण अलग ही चीज है फ्राइड की कहानी है यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है कंपेरेटिव तुलनात्मक तुलनात्मक मेथड अलग ही होता है उसमें कंपेरिजन होती है बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए स्टेटिस्टिक्स का क्या ही लेना देना है तो वृद्धि और विकास के लिए जो मेथड होता है उस मेथड को हम क्या बोलते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं डिवेलपमेंटल मेथड यस जिसने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है ये विकासात्मक विधि होती है ठीक है तो ये क्या होती है भाई विकासात्मक विधि होती है आपको ध्यान रखना है ये क्लियर नेक्स्ट है आगमनात्मक विधि क्या होती है वट इज इंडक्टिव मैथड इंडक्टिव मैथड क्या होता है इंडक्टिव मैथड होता है स्पेसिफिक टू जनरल ठीक है इंडक्टिव मैथड क्या होता है स्पेसिफिक टू जनरल की ओर होता है ठीक है तो इंडक्टिव मैथड होता है स्पेसिफिक टू जनरल नेक्स्ट है समान मानदंडो का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था एज इट इज क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन है सिर्फ लर्न करना है ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं समान मापदंड जो कहता है एनवायरमेंट से पर्यावरण से बच्चे समान होते हैं ये होता है वो होता है तो ये किसने बोला हरलोक ने चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत सारी डेफिनेशन है जो कि हरलोक महोदय की दी हुई है तो आपने याद कर लेना है सीधा इसको नेक्स्ट है बुद्धि की दृष्टि से किन बालकों का शारीरिक और मानसिक रूप से शीघ्र विकास होता है देखो सीधी सी बात है किस बच्चे का शीघ्र विकास होगा मतलब शारीरिक भी और मेंटल भी किसका होगा भाई जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा लेकिन हम क्लियर यह तो नहीं कह सकते कि बुद्धि की दृष्टि से पूछा इसने ठीक है ना बुद्धि की दृष्टि से ध्यान रखें बुद्धि की दृष्टि से किस बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास शीघ्र होता है अब कई बच्चे कहेंगे शारीरिक कैसे होगा बुद्धि की दृष्टि से मतलब इंसान का बुद्धि के हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली मेंटली होता है ठीक है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बुद्धि की दृष्टि से किन बच्चों माँ कहने का मतलब बुद्धि की दृष्टि से कहते हैं ना बच्चे टाइम से पहले ही बड़े हो जाते हैं तो वो वाली स्टेटमेंट है तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों का ही ये होता है कि जिनका आई लेवल उच्च होता है उनका ही ये होता है ठीक है नेक्स्ट है बाल जीवन की नींव किस अवस्था में रखी जाती है तो बाल जीवन की नींव किस अवस्था में रखी जाती है बाल जीवन बच्चे का जीवन ठीक है मानव जीवन नहीं पूछा इसने बच्चे का जीवन पूछा है ठीक है तो बाल जीवन बच्चे का जीवन किस अवस्था में आ जाता है भाई इन्फेंट शिशु अवस्था में ठीक है शिशु अवस्था में आ जाता है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है समानता का सिद्धांत क्या है तो सबको पता भाई समानता का सिद्धांत क्या है मनुष्य का विकास समान है मनुष्य का विकास समान नहीं है डेवेल्पमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज बींगेटिक मनुष्य का विकास हमेशा व्यवस्थित होता है मनुष्य का विकास हमेशा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज क्विक क्विक होती ऐसा कुछ नहीं है मनुष्य का विकास हमेशा सिस्टमैटिक होता देखो मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि मनुष्य का विकास सिमिलर होता है भाई सिमिलर होता है इसीलिए समान होता है मनुष्य का विकास क्या होता है भाई सिमिलर होता है वट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी अच्छा समानता का सिद्धांत क्या कहलाता है कि मनुष्य का विकास समान होता है और मनुष्य का विकास हमेशा व्यवस्थित होता है हमेशा व्यवस्थित तो होता ही नहीं है हमेशा व्यवस्थित हमेशा सिस्टमैटिक हो, हो जाता है तो व्यवस्थित हो नहीं सकता समान हो नहीं सकता क्विकली हो नहीं सकता तो आंसर बचा क्या वन तो आंसर बचा क्या भाई वन ठीक है नेक्स्ट है यह आनुवांशिकता और पर्यावरण के उत्पाद का एक सिद्धांत है आपको बताना है इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यह अनुवांशिकता और पर्यावरण के उत्पाद का एक सिद्धांत है तो अफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट मतलब क्या आपको ये बताना है कि क्या चीज़ है जो कि आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट से बना है मतलब आपकी उसके अंदर हेरिडिटी भी शामिल है और आपकी उसके अंदर एनवायरमेंट भी शामिल है तो क्या चीज़ है जिसके अंदर आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरमेंट जो है शामिल है तो अफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट मीडिया का तो कोई लेना देना नहीं है अफेक्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल पावर आंतरिक और बाह्य शक्तियों का कोई लेना देना नहीं है अफेक्ट समाज का प्रभाव का कोई लेना देना नहीं है आपको ये ना सोचे कि अनुवांशिकता उत्पाद का एक सिद्धांत बताना है इसने सिद्धांत पूछा है तो कई हमें क्या सोचते हैं हम कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो पेपर में आते ही नहीं है ठीक है हमारा दिमाग कई बार ये सोचता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो पेपर में आते ही नहीं हम अपना ज्यादा दिमाग बिढ़ाएंगे कि जो हैरिडिटी होती है वो तो इंटरनल होती है एनवायरमेंट एक्सटर्नल होती है तो भाई इंटरनल और एक्सटर्नल पावर का जो प्रभाव होगा वो अनुवांशिकता और हैरिदिकता का सिद्धांत होगा लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत का नाम हमने नहीं पढ़ा है और हमने बार बार पढ़ा इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इफेक्ट बच्चे पर सबसे ज्यादा होता है ठीक है ना तो हमने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा है एज इट इज सेम सेम तो सीधी सी बात है स्ट्रेट आंसर भी कई बार होते हैं नेक्स्ट है प्रोफाउंड द प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंस सिक्वेंस थ्योरी किसने दी है सिक्वेंस मतलब रहे हो सिकवेंस का मतलब क्या है एल एस आर डब्ल्यू की जो मनुष्य का विकास होता है वो सिक्वेंस में होता है क्रम में होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए राइटिंग के स्किल्स हैं तो पहले आप लिसनिंग करेंगे स्पीकिंग करेंगे रीडिंग करेंगे राइटिंग करेंगे तो ये जो सिक्वेंस का सिद्धांत है ये फ्रेंक ने दिया है इसको आपको सिर्फ याद करना है कोई शॉर्टकट इसका नहीं है यस सब सही दे रहे हैं अभी तक तो, अच्छा ये कमेंट पीछे चल रहे हैं मैं ही करूँ कमेंट नहीं चल रहे स्क्रीन टच ही नहीं हो रही थी थैंक यू संगीता हम्म क्लियर तो यहां पर क्या आपको ध्यान रखना है Next, विकास दिशा में हो सकता है विकास ज्ञान की दिशा में हो सकता है अब आप कहोगे हमने तो विकास की दिशा वो पढ़ी है मैडम सिर से लेके पैर तक पढ़ी है केंद्र से मध्य की तरफ पढ़ी है तो ये कौन सी विकास की दिशा पैदा हो गई ये एक जनरल सेंस है कि विकास किस डायरेक्शन में होता है भाई बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो सकता है तो वो नॉलेज मतलब वो ज्ञान के तरीके से हो सकता है वो फिजिकल एंड मेंटल वो शारीरिक भी, भी हो सकता है फिजिकल भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है वो इमोशनल भी हो सकता है वो कॉग्नेटिव भी हो सकता है मतलब नॉलेज का मतलब क्या है नॉलेज को अंडर एस्टिमेट मत करना नॉलेज का मतलब कोग्नेटिव है और कोग्निजम होता है, है ना पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट तो ऑल ऑफ अबो तो आंसर रहेगा फोर एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे बच्चे का विकास किस पर निर्भर होता है तो भाई बच्चे का विकास सब पर निर्भर होता है बच्चे का विकास माता पिता पे निर्भर होता है स्कूल पे सोसाइटी पे और आजकल बच्चे का विकास खुद पर भी निर्भर होने लगा है ठीक है खुद अपना जितना विकास करोगे उतना ही बेटर आप कर पाओगे तो आज के लिए इतना ही काफी भाई एंड आई फील सॉरी कि आज मुझे यूनिट थ्री पढ़ानी थी बट देखो भाई ह्यूमन मेरे को लगता है कि मुझे है ना हरियाणा जी के अल्टरनेट डेज पे ही पढ़ानी चाहिए अपने आप को ना इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए है ना सुबह मैंने इंग्लिश की सीरीज शुरू कर दी फिर मैंने दिन में तुम्हारे हरियाणा जी के की लाइव ली फिर शाम को अभी ये ली बीच में एक आधी क्लास और हो जाती है तो हरियाणा जी के मैंने अल्टरनेट डेज पर शुरू करी थी बिल्कुल सही था बट तुमने कहा ना ही रोज पढ़ाओ रोज पढ़ाओ रोज पढ़ाओ <laughs> तो कभी कभी है ना पता ऐसा लगने लग जाता है बस यार अब और क्लास नहीं और मैं यूनिट थ्री के क्वेश्चन को खराब नहीं करना चाहती मतलब बहुत अच्छे से देना चाहती हूँ तो कल पक्का यूनिट थ्री के ही क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जी के को देखती हूँ कल अवॉइड करूंगी और कल पक्का यूनिट थ्री के क्वेश्चंस आएंगे ठीक है कल रात नौ बजे यूनिट थ्री के क्वेश्चंस ही पढ़ाऊंगी मैं और बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी एग्जाम ओरिएट जैसे यूनिट वन और यूनिट टू किया है वैसे यूनिट थ्री पढ़ेंगे देन यूनिट फोर एंड देन यूनिट फाइव आपकी मैं एक बार ये करवा दूँ मेरे दिमाग से बर्डन सा उतर जाएगा आफ्टर दैट ये प्रैक्टिस चलता रहेगा ठीक है भाई हाँ तो आज के लिए इतना ही काफी लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट आ, आ, जो यूनिट वन है उसमें है मंजू मेरे पास टीचर तो नहीं है ना फिलहाल ठीक है ना हाँ क्लियर भाई एंड थैंक यू सो मच फॉर हरियाणा जीके सीरीज आज मैंने ना तुम्हें राज्यपाल करवाए थे हरियाणा के जिस भी बच्चे ने नहीं देखी ना अपना नुकसान कर रहा है एक एक क्वेश्चन हरियाणा जीके का मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ ना एक, एक क्लास तुम्हारे क्वेश्चन के लिए बना रही हूँ एक एक क्लास तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए बना रही हूँ और राज्यपाल बहुत अच्छे से मैंने करवाया है सारे प्रीवियस क्वेश्चन उठा लिए हैं जो जो आए हुए थे एच में ठीक है हाँ तो वो सारे के सारे आपने कर लेना है ध्यान रखना हाँ हाँ गेम में एक बार हरियाणा पॉलिटिकल की दो क्लास और करवा दूँ फिर हरियाणा के स्पोर्ट्स ही करवाऊंगी पहले मेरा टारगेट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही है आपने देखा है मैंने बीच में मैं चाहती तो ये मेले मंदिर मस्जिद ये भी ले लेती मेरे लिए इजी हो जाता लेकिन वो चीज़ फायदेमंद नहीं है ठीक है वो चीज़ बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है मैं पहले मेरा टारगेट है उनतीस तक मैं वही टॉपिक पढ़ाऊँ जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको कर सके ठीक है अमित कर देंगे ठीक भाई अमित सारी पीडीएफ की राइटिंग ख़राब नहीं है लिटरेचर की सिर्फ चार पाँच की ही राइटिंग खराब है तो मैंने ऐसे ही इतना बड़ा मुद्दा बना देते हो कि मतलब मान ले कुछ पीडीएफ की राइटिंग गंदी है तो गंदी है और जो उस पीडीएफ पे काम किया गया है जो उसमें से क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पेपर में एज ए टीज आएंगे वो तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता किसी पी की राइटिंग गंदी हो जाती तो वो मैटर करने लग जाती है लेकिन ठीक है भाई बात बच्चा अपनी जगह ठीक है और कमी तो मेरी है करवानी चाहिए मुझे राइटिंग सही करवा दूंगी ठीक है मेरी अब तो तुम्हारा पेपर लेट है ना इंग्लिश वालों का करवा दूंगी ठीक है चलो बाय बाय। और वो सबकी खराब नहीं है कुछ की ही खराब है ओके बाय